নদীতে মৃতদেহ ফেলা নিয়ে আবার দেশজুড়ে বিতর্ক, এবারও সেই যোগী রাজ্যে। উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর এলাকার রাপ্তি নদীতে এক করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ ফেলার দৃশ্য এখন ভাইরাল, যদিও অভিযোগ ওই মৃতের পরিবারের লোকের দিকেই। এই ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, 25 মে এক ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, 26 তারিখে তাঁর করোনা ধরা পড়ে, হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় 28 তারিখ। এরপরে 29 মে মৃতের ভাইপোর হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়। তারপর দুই ব্যক্তিকে তাঁর দেহ নদীতে ফেলতে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে একজন পিপিই পড়েছিলেন। এ বিষয়ে দেখুন বলরামপুর CMOH এবং পুলিশ আধিকারিক কি বলছেন। वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी सोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया, दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, शेष कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 29 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह बात कही गई कि पीपीई किट पहन करके राप्ती नदी के पुल से शव को गिरा दिया गया। इस संदर्भ में CMO बलरामपुर के कथनानुसार प्रेमनाथ मिश्रा, जो सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर के निवासी हैं, जिला मेमोरियल हॉस्पिटल में 25 मई को एडमिट हुए थे। उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद उन्हें 26 तारीख को संयुक्त जिला चिकित्सालय में L2 वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनकी चिकित्सा हुई और दिनांक 28 तारीख को उनका देहांत हो गया। 29 तारीख को उनके शव को उनके भतीजे को सुपुर्द कर दिया गया और शव वाहन से उनका शव कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के अंतर्गत रवाना कर दिया गया। इस संदर्भ में कोविड नियमों एवं प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात प्रकाश में आने पर CMO बलरामपुर के कार्यालय द्वारा कोतवाली देहात बलरामपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। शेष विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है, मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। নিউনূর সোফা সেন্টার, এখানে সমস্ত রকম সোফা পাইকারি ও রিটেলে বিক্রয় করা হয়। সমস্ত সোফা নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা হয়। প্রোপাইটার হানিফ হোসেন খাঁ ও রুহুল হোসেন খাঁ, বড়ডোঙ্গল হারতলা সিনেমা হলের সন্নিকটে হুগলি। যোগাযোগ 7797170093 এবং 9382003105। আগরবাতি, পেপার প্লেট, ডোনা, পেপার কাপের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান SP ইন্ডাস্ট্রিজ, আমতলা মোড়, বসন্তপুর, আরামবাগ। এখানে সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিন দ্বারা তৈরি করা হয় এবং হোলসেল বিক্রি করা হয়। প্রোপাইটার প্রদীপ কুমার ঘোষ।